नीलामी का वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी नीलामी में बड़े बड़े लोग भाग लेते थे उसमें जो छोटे स्तर के लोग हैं वो भाग नहीं ले पाते थे। तो मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल गोपालगंज फोकस में। और हम आपको एक नए ज़िले की जानकारी देने वाले हैं, जो कि अपडेट मिल चुका है हमें, हम आपको अपडेट देंगे उस ज़िले का। तो आपको बता दूं कि बांका ज़िला का जो अपडेट निकल गया है उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बांका ज़िला में कुल 42 गाड़ियों की नीलामी हो रही है और आप लोग नीलामी में भाग लेके बांका ज़िला में एक से एक बेहतरीन गाड़ी आप लोग नीलामी में भाग लेके खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तिथि क्या रखा गया है, नीलामी का फॉर्म कहाँ जमा करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको बता दूं मैं कि नीलामी का जो फॉर्म है वो 27/2/2022 तक जमा होगा। वहाँ पे ट्राइसेम भवन है, मद निषेध अधीक्षक कार्यालय, ट्राइसेम भवन, वहीं पे फॉर्म आपका जमा होगा। अगर धन राशि आप नगद भी जमा कर सकते हैं या डीडी बनवा के बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा कर सकते हैं। डीडी आपको मद निषेध अधीक्षक बांका के नाम से आपको डीडी बनवा लेना है। और यहाँ पे अग्रिम राशि का मैं बात बता दूँ तो यहाँ पे अग्रिम राशि 20% लगा हुआ है और यहाँ पे कुल 42 गाड़ियों की नीलामी हो रही है। सस्ते भाव में यहाँ पे गाड़ी मिल रही है, आप लोग गाड़ियों का निरीक्षण कर लें, उसके बाद ही आप लोग गाड़ी खरीदें। बांका जिला में नीलामी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। आधार कार्ड लग रहा है और आपको बैंक से डीडी बनवा सकते हैं या नगद भी जमा कर सकते हैं। आधार कार्ड के साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लग रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका एसपी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म के साथ जमा करना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नीलामी 28/2/2022 को होगी, समरणालय बांका स्थित सभागार में होगी, 11:30 बजे से शुरू की जाएगी और पूर्वाहन तक की जाएगी। तो आपको बता दूं कि नीलामी का जो डेट रखा गया है 28/2/2022 को नीलामी होगी। और फॉर्म भरने का अंतिम तिथि मैं बता देता हूँ, 27/2/2022 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे कुल 42 गाड़ियों की नीलामी हो रही है। और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से आप पिकअप भी खरीद सकते हैं। 30 नंबर सीरियल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिकअप है, उत्पाद मलखाना में लगा हुआ है, आप लोग जाके उत्पाद मलखाना में ये देख सकते हैं। 95 नंबर 31 नंबर सीरियल पर है और इसका दाम 95,000 रुपये रखा गया है। और इसका 20% अग्रधन राशि बगल में लिखा है, आप लोग अग्रधन राशि देख लें, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म जमा करें। और भी मैं आपको बता दूं, जो भी गाड़ी आप लोग नीलामी से खरीद रहे हैं उन गाड़ियों को एक बार निरीक्षण कर लें, उसके बाद ही वो गाड़ी खरीदें। क्योंकि 8 नंबर सीरियल पे 12 हाट थाना में कार है, तो आप लोग ये भी गाड़ी 12 हाट थाना में जाकर देख सकते हैं। और भी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कार की संख्या ज़्यादा है और ट्रक भी है, और आप लोग पिकअप भी लेना चाहें तो पिकअप भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मोटरसाइकिल इस बार बहुत ही 2 या 3 मोटरसाइकिल है, बाकी सब कार 4 व्हीलर ही है और पिकअप 1-2 है। तो अब सबसे ज़्यादा इस बार बांका जिला में कार की नीलामी हो रही है, तो आप सस्ते दामों में जाके बांका जिला से कार खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि 21 नंबर सीरियल पर ट्रक है, ट्रक भी आप लोग देख लीजिएगा और ट्रक का निरीक्षण कर ले, उसके बाद ही आप लोग ट्रक खरीदें। और आप लोग गाड़ी को निरीक्षण करने जाएं तो आप लोग 36 नंबर और इंजन नंबर से भी आप लोग गाड़ियों का निरीक्षण कर सकते हैं। सर, हमारे मित्र कमेंट कर रहे थे या फ़ोन भी करते, सर अपना गाड़ी जो नीलामी से खरीदे है वो दिखाइए। तो देखिए, मैंने नीलामी से ये गाड़ी खरीदा हुआ है, ये नीलामी का गाड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि ये नीलामी का गाड़ी मैंने गोपालगंज से लिया हुआ है। नीलामी का वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी नीलामी में बड़े बड़े लोग भाग लेते थे उसमें जो छोटे स्तर के लोग हैं वो भाग नहीं ले पाते थे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि वो लोग भी नीलामी की जानकारी प्राप्त कर लें। और नीलामी का यही मेरा उद्देश्य है कि छोटे भी लोग 4 व्हीलर पर चढ़े, उनका भी सपना पूरा हो, यही मेरा उद्देश्य है इस नीलामी का वीडियो बनाने का। और मैं बहुत सारे थानों में जाता हूँ, बहुत सारे लोग हमको मना करते हैं कि सर नीलामी का वीडियो मत बनाइए, वो बड़े बड़े लोग ही गाड़ी खरीदते थे पहले नीलामी में भाग लेके, छोटे लोगों को गाड़ी नहीं मिलता था, अब छोटे लोग भी नीलामी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत सारे हम थानों में भी जाते हैं, चाहे किसी जिला में जाते हैं तो मना किया जाता है कि आप वीडियो ना बनाइए, लेकिन आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, हम हर जिला का अपडेट आपको देते रहेंगे। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार, जय हिंद।